हमारा बेटा नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट आज स्टार्ट करेंगे अपन, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये जो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट है माने डिफेक्ट इन नॉन आयनिक क्रिस्टल। नॉन आयनिक क्रिस्टल का मतलब मेटालिक क्रिस्टल भी हो सकता है और कोवेलेंट क्रिस्टल भी हो सकता है। तो ये दो टाइप के क्रिस्टल हैं नॉन आयनिक में। नॉन आयनिक में क्या हो जाएगा, आपका एक कोवेलेंट क्रिस्टल हो जाएगा और एक मेटालिक क्रिस्टल हो जाएगा। मेटालिक क्रिस्टल नॉन आयनिक है। तो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब कल आपको समझा दिया था मैंने, क्या होता है नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब, जिसमें स्टॉकियोमेट्री आयनों की मेंटेन नहीं होती है बट चार्ज मेंटेन होता है। ठीक है, स्टॉकियोमेट्री ऑफ आयंस आर नॉट मेंटेन व्हाइल द चार्ज इज मेंटेन। चार्ज इज न्यूट्रल, चार्ज न्यूट्रल होता है तो चार्ज न्यूट्रल होता है। स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट में चार्ज भी न्यूट्रल होता है और स्टॉकियोमेट्री भी मेंटेन होती है। नॉन स्टॉकियोमेट्री में चार्ज तो न्यूट्रल होता है, पूरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, लेकिन आयंस की स्टॉकियोमेट्री मेंटेन नहीं होती है। तो सबसे पहला देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, NaCl लिया है आपने, ये या आपके पास NaCl है, ठीक है। इस NaCl से, इस NaCl से ये Cl आयन निकल गया, ये Cl आयन निकल जाए, केवल Cl आयन, ये देखिए, ये देखिए, ये Cl आयन निकल गया और इलेक्ट्रॉन यहां रह गया। ये देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन रह गया। क्या लग रहा है, यहाँ Cl था, Cl आयन था, पर Cl आयन में Cl तो निकल गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर रह गया। तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर है, लैटिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जहां Cl बैठा था वहीं बैठा हुआ है। तुमने कभी कभी देखा होगा कि कोई अपनी सीट छोड़ जाता है और अपना बैग वहीं रख जाता है, सीट छोड़ गया, वहां आदमी नहीं है, उसका बैग रखा है, तो अपन क्या सोचते हैं, हाँ यार कोई बैठा था यहाँ पर, ठीक है, या कोई बैठा है उसका बैग रखा है यहाँ पर, वो उसकी सीट रिजर्व है, ऐसा अपन मानते हैं। तो Cl आयन चला गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया। अब देखो यहाँ पर Na आयन और Cl आयन का जो रेशो हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 4:4 मींस 1:1 है। यहां देखो 1 2 3 4, तो Na आयन तो हमको 4 दिख रहे हैं, लेकिन Cl आयन हमको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज मेंटेन है। इधर देखिए पॉजिटिव 4 चार्ज है, इधर -4 चार्ज है, चार्ज बैलेंस है, यहां भी पॉजिटिव 4 है, -4 है, चार्ज बैलेंस है, ये नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्रिस्टल, बट रेशो मेंटेन नहीं है। ये देखिए 4:3 हो गया,
तो हम इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेटल का एक्सेस हो गया। देखिए मेटल ज्यादा है, मेटल ज्यादा है, एन आयन कम हो गया, एन आयन तीन बचे, मेटल आयन चार है, एन आयन तीन बचे, तो हम इस डिफेक्ट का नाम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। देखिए मेटल का एक्सेस दिख रहा है ना बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू ये देखिए एनायन चला गया छोड़ के, एनायन की सीट खाली हो गई है, एनायन की सीट खाली हो, वैकेंसी ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ये देखिए इस डिफेक्ट का नाम क्लियर हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। इसे वैकेंसी डिफेक्ट भी कहने लगे, वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हो गया, ठीक है, ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हो गया। पहला वाला जो कल आपने पढ़ा था वो भी वैकेंसी डिफेक्ट था, वैकेंसी खाली हो गई थी, वहां पर आयन सोडियम आयन निकल गया था, सीएल आयन निकल गया था, वहां दोनों निकल गए थे, यहाँ पर सोडियम आयन नहीं निकल रहा है, ओनली सीएल जा रहा है, और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़कर जा रहा है, यहीं छोड़कर जा रहा है, तो डिफेक्ट का नाम क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ये देखिए। और चार्ज न्यूट्रल है, ये देखिए चार्ज न्यूट्रल है, तो आपको यहां भी चार्ज न्यूट्रल दिख रहा है, चार्ज पूरा यहां से यहां तक न्यूट्रल है। अब बताओ क्या स्टॉकियोमेट्री मेंटेन है, नहीं, कैसा डिफेक्ट हो गया, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे पहचान लिया, समझ आ गया, और डिफेक्ट का नाम ये बन गया। आप ये जो लैटिस साइट है इसको आपने क्या नाम दिया था, लैटिस साइट, इस लैटिस साइट पर ही ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लैटिस पॉइंट पर बैठा है, जहां पर एनायन था उसी जगह, जहां पर कोई बैठा था उसी की सीट पर वो बैग रखा हुआ है ये। अब आपको बात समझ आ गई, इसे आप क्या बोलते हो, एब्सेंटर, एब्सेंटर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लैटिस साइट पर है, तो एब्सेंटर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट, एब्सेंटर क्या हो गया, एब्सेंटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट, इसको आप लैटिस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, लैटिस इलेक्ट्रॉन है ये, लैटिस पॉइंट पर ही इलेक्ट्रॉन है, आ गया बेटा समझ में, तो एफ सेंटर क्या हो गया ये, और इसी एफ सेंटर के कारण, इसी एफ सेंटर के कारण NaCl का कलर, इसी के कारण ये कलर कैसा होगा, येलो, येलो, एफ सेंटर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लैटिस साइड, इसी एफ सेंटर के कारण येलो कलर दिखेगा आपको, NaCl का कलर कैसा दिखेगा, येलो, इसी के कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसे आप बोलोगे पैरा मैग्नेटिज्म, इसी के कारण पैरा मैग्नेटिज्म आ जाएगी, पैरा मैग्नेटिज्म इसी के कारण आती है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन की चलने के कारण कंडक्टिविटी आ जाती है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी इलेक्ट्रॉन के कारण आती है, ये तीनों प्रॉपर्टी एफ सेंटर के कारण होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए एफ सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लैटिस साइट, कलर NaCl का येलो क्यों होता है, इसी के कारण, पैरामैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी मिलती इसी के कारण, तो ये सेमी कंडक्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, सेमी कंडक्टर, समझ आ गया, ये तीनों प्रॉपर्टी। अब इसे बनाओगे कैसे, इसे बनाओगे कैसे, ये देखो, इसे बनाने का तरीका,
इसे बनाने का तरीका देखिए, ये कैसे बनेगा, NaCl की वेपर्स को, NaCl को Na की वेपर्स में हीट करते हैं। ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं, NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स, NaCl को सोडियम वेपर्स में हीट कर रहे हैं, NaCl को सोडियम वेपर्स में हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए NaCl को सोडियम वेपर्स में हीट कर रहे हैं, ये आयनिक क्रिस्टल है और ये सोडियम वेपर्स है और इसको इसमें हीट किया जा रहा है। सोचो, इधर देखना सामने, ये पूरा लिख लिया आप लोगों ने, ये पूरा लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन समझ आ गए आपको, 1, 2, 3 क्वेश्चन, ये एफ सेंटर का मतलब समझ आ गया आपको, एफ सेंटर लैटिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को कहेंगे, एफ का मतलब होता है फारवे, एफ ए आर वी, फारवे सेंटर, कलर सेंटर, इसी को बोलते हैं एफ का मतलब, एफ मतलब होता है फारवे, कलर सेंटर, फारवे सेंटर। ये देखिए NaCl, NaVep, यहां को समझा रहा हूं आप देखिए यहां ध्यान से, अगर मैंने ये 3 मोल ले लिए, ये देखिए ये 3 दिख रहे हैं आपको, ये 3 मेरे घर में 6 मेंबर हैं, ये 6 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर, 6 कुर्सियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुर्सियां पे 6 मेंबर बैठे हैं। कोई नया आदमी आए तो मैं क्या करूंगा, नया आदमी आए तो मैं क्या करूंगा, एक कुर्सी किसी से साइड वाले से मांग के ले आऊंगा, भैया एक कुर्सी दे दो, लेकिन एक ही कुर्सी ज्यादा रहे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, उससे 2 कुर्सियां ले आऊंगा। तो ये देखिए, ये आपने ले लिया 3 मोल, ये दिख रहा, 1 NaCl, दूसरा NaCl, तीसरा, 3 मोल NaCl ले लिया और उसको सोडियम वेपर्स में हीट किया, ये 3 कुर्सी है, देखिए एक कुर्सी सोडियम आ रहा है, सोडियम को जब आप हीट करोगे, ध्यान से सुनना, ये एटम है, जब इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा, ये 3 NaCl तो आपको दिख ही रहे हैं, ये 3 NaCl तो दिख ही रहे, जब आप इसको हीट करोगे तो NaAyn आ गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये देखिए, जब आप इसे हीट करोगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये इस चेयर पे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन, नई चेयर बनाना पड़ेगी, ये नई चेयर आपको मांगना पड़ेगी, बोले भैया हमको नई चेयर दे दो, बाजू वाले से आप 2 नई चेयर ले लेना, तो एक पे सोडियम आयन आ जाएगा और एक पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आ गया समझ में, ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, ये सोडियम से निकल गया, ये 0 था, ये 1 बन गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आप एक्चुअल ऐसा फील करेंगे, ठीक है। तो व्हेन NaCl इज हीटेड इन द सोडियम वेपर, NaCl इज हीटेड इन द सोडियम वेपर, एफ सेंटर डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, एफ सेंटर डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस हो गया, समझ आ गया। अच्छे से सुनना, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सुनिए, व्हेन NaCl इज हीटेड इन द सोडियम वेपर्स व्हाट हैपेंड, तो आंसर, एफ सेंटर डिफेक्ट प्रोड्यूस, एफ सेंटर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो कलर येलो हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा आ जाएंगी, ये सारी प्रॉपर्टी एफ सेंटर डिफेक्ट के कारण क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपका ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, कैसे भी आप सब चीज समझ आ गए होंगे आपको। और ये डिफेक्ट कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वो क्रिस्टल शो करते हैं जो शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। ये देखिए शॉटकी का ही तो नेचर है, ये सीएल का चला जाना, भले ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के, नेचर कैसा है, शॉटकी टाइप का ही है। तो ये एग्जाम्पल वो बन जाएंगे इसके, शॉटकी डिफेक्ट के। एग्जाम्पल जो है शॉटकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, NaCl हुआ, KCl हुआ, LiCl हुआ, ऐसे ये। NaCl का कलर इस डिफेक्ट के कारण कैसा दिख रहा है, येलो। KCl का कलर कैसा दिखेगा, वायलेट, वायलेट दिखेगा। LiCl का कलर कैसा दिखेगा, पिंक। तो अगर क्वेश्चन आए
KCl को K वेपर्स में हीट करते हैं, NaCl को सोडियम वेपर्स में हीट किया, KCl को पोटेशियम वेपर्स में हीट करना, LiCl को लिथियम वेपर्स में हीट करना, लिख लेना जैसे मैंने ये लिखा, तो KCl को पोटेशियम वेपर्स में हीट करते हैं तो वो वायलेट दिखता है, लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर्स में हीट करते हैं तो वो पिंक दिखता है। सबका आंसर ये समझ आ गया आपको? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने जितने भी लिखे सारे क्वेश्चन लिख दिए मैंने, ये भी ये सारे स्टॉइकोमेट्री चार्ज मेंटेन सब समझा दिया आपको। ये आप बताइए एक एक बात समझ आ गई आप लोग के लिए? तो ये आपका एक डिफेक्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा डिफेक्ट ध्यान से देखिएगा, Zn O Zn ये है साहब ये क्रिस्टल है। ZnO के क्रिस्टल को कितना हीट कीजिए, डिफेक्ट का नाम छोड़ दिया है मैंने अभी आपको समझाऊंगा। पहले ये ZnO का क्रिस्टल है, ZnO के क्रिस्टल को इतना हीट कीजिए, ये हीट कर रहे हैं अपन ZnO को। इधर देखिएगा, ZnO को जब आप हीट करोगे तो Zn पर चार्ज है प्लस टू, ऑक्सीजन पर चार्ज है माइनस टू, तो ये Zn आयन बन जाएंगे। Zn तो Zn आयन ही रहेंगे ये, लेकिन ऑक्सीजन उड़ जाएगी। ये देखिए ऑक्सीजन उड़ गई, ये ऑक्सीजन उड़ गई, तो ऑक्सीजन उड़ी तो जीरो चार्ज आ गया। आप हाफ ओ टू ले लो, ये एक ऑक्सीजन तो ये हाफ ओ टू, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गई, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब Zno को आप हीट करोगे, Zno को ध्यान से सुनना, ये सॉलिड है, ये Zno 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 ये क्रिस्टल है, तो Zno के क्रिस्टल को आपने हीट किया ये, तो ये बना Zn आयन। Zn आयन तो जहां से कहां है, ये एक ऑक्सीजन थी, अच्छे से सुनना, ये एक ऑक्सीजन थी, ये तो उड़ गई, ये उड़ गई, तो ये साइड खाली हो गई, ये साइड तो Zn आयन ये उड़ गई है, ये दिख रही है आपको उड़ते, ये कोई सी भी ऑक्सीजन आप उड़ते, ये वाला ये देख ले आप, ये ऑक्साइड आयन ये उड़ गई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन उड़ गई, तो ये जो Zn आयन है यहां आ जाएगा, ये देखिए किस तरह से,
ये ऑक्साइड आयन, ये जेड एन आयन, ठीक है, ये ऑक्साइड आयन, ये जेड एन आयन, ये ऑक्साइड आयन और ये जेड एन आयन, ये आपका ये जेड एन ने ये आपका ऑक्यूपाई कर लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया कहीं भी, और ये जो ऑक्सीजन ये तोड़ गई, ये तोड़ गई, एक ऑक्सीजन आप कोई सा भी ले सकते हो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उड़ा दो आप, ये उड़ा दो तो ये जेड एन आयन यहाँ आ गया, बात समझे कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस साइड पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ऐसे बड़ा बड़ा बन, क्रिस्टल तो बहुत बड़ा है ना, ये क्रिस्टल कोई छोटा मोटा थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये लैटिस साइड में इलेक्ट्रॉन ना आके इंटरस्टिशियल साइट में ये इलेक्ट्रॉन आ गए, कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियल साइट, ये हो गई आपकी इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन। ये इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन यहां देखिए जेड एन चार है, 1 2 3 4 जेड एन आयन का रेशो, ऑक्साइड आयन का रेशो 4:4 है, चार्ज भी बैलेंस है, यहाँ पे +8 चार्ज है, यहाँ पे -8 चार्ज है, चार्ज बैलेंस है। यहाँ देखिए जेड एन कितने, 1 2 3 4 जेड एन आयन का रेशो, ऑक्साइड आयन का रेशो, ये 4 है, ये 3 है, ये देखिए स्टॉकियोमेट्री चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई, स्टॉकियोमेट्री, तो स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, ये कैसा नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टॉकियोमेट्री चेंज हो गई। पर यहां देखिए चार्ज +8 है, यहाँ चार्ज -8 है, चार्ज बैलेंस है, ये पूरा चार्ज यहाँ से आता है पूरा बैलेंस है, क्यों, इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। अब बताओ ऑक्सीजन कम हो गई यहाँ पर, जेड एन आयन ज्यादा दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 2 3 दिख रही, क्योंकि एक ऑक्सीजन उड़ गई, या ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गई, ये समझ गए, तो ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। अब बताइए ये जेड एन आयन कहाँ दिख रहा है आपको, ये इंटरस्टिशियल साइट में, ये जेड एन आयन इंटरस्टिशियल साइट में, तो पॉइंट बन गया, ये डिफेक्ट का नाम बन गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू, ये देखिए मेटल का एक्सिस है 1 2 3 4 1 2 3 मेटल का एक्सिस है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन, ये जो केटायन है इंटरस्टिशियल केटायन है, ये इंटरस्टिशियल केटायन है ये, और इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन है, ये इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, इन्हीं इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण, इन्हीं इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी शो करेगा, इन्हीं इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी शो करेगा, इन्हीं इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण जेडेनो का कलर, जब जेडेनो को आप हीट करोगे, जब आप जेडेनो को हीट करोगे तो ये इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन उड़ जाएगी, ठीक है, और इसका कलर येलो हो जाएगा, येलो कलर दिखाई देगा। जेडेनो को हीट करने पर, जेडेनो को हीट करने पर कैसा कलर है, येलो, किस कारण से, इन्हीं इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण। जेडेनो को गर्म करने पर क्रिस्टल कंडक्टिविटी शो करने लगता है, इन्हीं इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण। आ गया समझ में। तो ये मेन बात हो गई इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी पूरा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, ये व्हेन जेडेनो इज हीटेड, अच्छे से सुनिए, व्हेन जेडेनो इज हीटेड ऑक्सीजन लिबरेटेड रिवर्सिबली। अब आप ध्यान से सुनना, रिवर्सिबली माने आप हीट करना बंद कर दीजिए तो ये वापस बन जाएगा ऐसा, तो ऑक्सीजन वापस आ जाएगी, ये वापस आ जाएगी ऑक्सीजन, जो उड़ी हुई ऑक्सीजन थी वो वापस आ जाएगी, ये जेडेन अपनी पोजिशन वापस आ जाएगा, जेडेन अपनी पोजिशन पर वापस आ जाएगा। आ गया समझ में आपको, तो लिखिए इसको,
हो गया पूरा। तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया, ये रिएक्शन के फॉर्म में बनाया, ये क्रिस्टल की तरह बनाया, ये रिएक्शन की तरह बनाया। ZNO को जब हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, पर ये जो ऑक्सीजन लिबरेट करता है रिवर्सिबली लिबरेट करता है। जैसे ही आप हीट करना बंद करोगे ये ऑक्सीजन वापस आ जाएगी, ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा, ये जो यहाँ गया था ये वापस आ जाएगा, ये ऑक्सीजन वापस यहाँ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस पूरा का पूरा वही। जब तक तुम हीट करोगे ZNO को, जब तक तुम हीट करोगे ZNO को, तब तक वो कैसा दिखाई देगा, येलो। तब तक उसमें क्या होगी, कंडक्टिविटी। इसका रीजन इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन है, इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन है। और इस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट बोलोगे, इंटरस्टिशियल केटायन डिफेक्ट, ये लिख दिया, इंटरस्टिशियल केटायन डिफेक्ट है। बताइए समझ आ गया। और क्या स्टॉइकियोमेट्री मेंटेन है, नहीं, ये चार है, ये तीन है, चार्ज तो मेंटेन है, चार्ज मेंटेन होने का रीजन ये है। तो ये सारी बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। अब बताइए इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन किस में आया था, बोलो, फ्रंकेल डिफेक्ट में। तो ये फ्रंकेल डिफेक्ट, जो भी फ्रंकेल डिफेक्ट शो करते हैं वो ये डिफेक्ट शो करेंगे, जो क्रिस्टल फ्रंकेल डिफेक्ट शो करते हैं वो ये डिफेक्ट शो करेंगे। इसका एग्जांपल आपका बन जाएगा फ्रंकेल, फ्रंकेल डिफेक्ट शो करने वाले ZNS हो सकता है, ZNO हो सकता है, AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है, ये सब इसके एग्जांपल बन जाएंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, येलो कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, येलो कलर उसका रीजन, येलो कलर उसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये डिफेक्ट आपको क्लियर हो गया, इसके क्वेश्चन क्लियर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बेटा, ZNO को हीट करते हैं तो रिवर्सिबली ऑक्सीजन लूज करता है और उसका कलर येलो दिखता है। तो कलर येलो दिखने का रीजन हो गया इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन। NaCl इज हीटेड इन द Na वेपर्स, यहाँ पर Na वेपर्स, देन ऑब्जर्व येलो कलर ड्यू टू लैटिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एस सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा। ध्यान से सुनिए FeO, अब अगला FeO को ध्यान से देखिए। Fe प्लस टू चार्ज, O माइनस टू चार्ज, Fe प्लस टू चार्ज, O माइनस टू चार्ज, ये क्रिस्टल हो गया, समझ आ गया FeO का। भैया क्रिस्टिया, मैंने आज क्लास कैंसिल कर दी हिंदी मीडियम वालों की, इतना डिस्टरबेंस
हुआ, इसमें भी आपका डिस्टरबेंस हो रहा है, आप मोबाइल म्यूट नहीं रखेंगे मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा। आज मेरा मूड ऑफ हो गया, हिंदी मीडियम की क्लास ली और उनका ये कौन क्या होता है यार, ये डिस्टरबेंस, आप लोग को शर्म नहीं महसूस होती है यार? मुझे महसूस होती है, मैं दूसरे के घर आके पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरे के यहाँ उन्होंने दरवाजे बंद पूरा टोटल क्लोज कर दिया, देखो आपको एक सुई गिरने की आवाज आ रही हो। मेरा सिस्टम म्यूट है लेकिन आपका सिस्टम म्यूट नहीं है, ये देखिए मेरा सिस्टम म्यूट है। FeO ये चार्ज बैलेंस है, यहाँ पर Fe+2 आयन ऑक्साइड आयन 4:4 है, आगे भी बढ़ा सकते हो आप कितना भी। अब इसको आपने रख दिया, बस रखा रहने दो, रखे रखे ही इसका दिमाग खराब हो जाएगा। देखो Fe कहता है मैं तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता हूँ, मैं तो अपनी वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता हूँ। Fe की वैलेंसी +2 -+2 और +3 हो सकती है, ऑक्सीजन तो -2 ही होती है, only 1 -2 ऑक्सीजन only -2 होती है, और Fe +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो Fe +2 भी होता है और +3, कुछ Fe +2 की इच्छा हो गई कि वो +3 में जाएंगे, कुछ Fe +2 की इच्छा ये हो गई कि वो बहुत दिनों से +2 स्टेट में है, +3 में जाएंगी। तो क्या करना होगा, दिमाग लगाओ, अगर Fe+2 से Fe+3 में बदलें तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो +3 में चला जाएगा, ठीक है? तो +3 में चला गया, एक +3 में चला गया तो चार्ज अनबैलेंस हो गया, तो आपको फिर ये +2 लेना है, +2 से +3 में चला गया तो चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, और जब चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये तीन होंगे, ये तीन लेंगे, ठीक, और इस पर चार्ज कितना हो गया, +3 3 × 2 + 6, तो ये दो बन जाएंगे, दो पोजीशन गेन कर लेंगे, ऐसा समझिए। इसमें Fe+2 = 2 Fe+3 आयन, ये चार्ज देखिए, ये चार्ज +6 हो गया, यहाँ भी चार्ज +6 के बराबर हो गया, तो 3 Fe+2 आयन = 2 Fe+3 आयन, मतलब 2 Fe+3 आयन, 3 Fe+2 आयन रिप्लेस्ड बाय 2 Fe+3 आयन, 3 Fe+2 आयन रिप्लेस्ड बाय 2 Fe+3 आयन, तो चार्ज बैलेंस रहेगा। अब ये तीन को हटाओ, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तीन को हटाए तो ये बना, ये इसकी जगह Fe+3 आ गया, इसकी जगह Fe+3 आ गया, ये तो -2 ही है, ठीक। अब ये देखिए +3 +3 आ गया, तो यहां ये खाली हो जाएगा, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्यों, 3 Fe+2 जाएंगे, 3 Fe+2 जाएंगे तो +6 के बराबर है, और उनकी जगह 2 Fe+3 आ गए, ये आ गया एक, एक आ गया ये, ठीक है, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, +1 वैकेंसी,
एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, यहाँ ऑक्साइड आयन है, ये वैकेंसी है, यहाँ ऑक्साइड आयन है, फिर ये Fe प्लस टू आयन है, ये हो गया। अब बात समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पर Fe और O, यहाँ पे दो टाइप के Fe हैं, यहाँ पर दो टाइप के, एक तो Fe प्लस थ्री वाले हैं और एक Fe प्लस टू वाले हैं, ठीक है। दोनों मिलाकर के इस ऑक्साइड आयन के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर Fe यहाँ पर दो टाइप के हो गए, Fe प्लस थ्री एंड Fe प्लस टू, ये दोनों हैं यहाँ पर और ऑक्साइड आयन के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ क्या है, स्टॉकियोमेट्री मेंटेन है, नहीं है Fe का यहाँ पर, आप तो Fe Fe लिखो, यहाँ पर अकेला Fe लिखो और अकेला ऑक्सीजन तो 4:4, तो यहाँ पे आपका Fe और ऑक्सीजन का रेशो 4:4 नहीं है, 1:2:3, ये 3:4 है, ठीक है। तो Fe रेशो 4:4 था, Fe रेशो 3:4 हो गया, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, इसका रीजन क्या हुआ, ये जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ इसका रीजन क्या हुआ, आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर गया, आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर गया, इसलिए यह डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यह डिफेक्ट क्यों क्रिएट हुआ, तो यह डिफेक्ट क्रिएट इसलिए हुआ कि आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। तो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण यह डिफेक्ट क्रिएट हो गया, समझ गए। ये वैकेंसी क्रिएट हो गई यहां पर, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इस डिफेक्ट का नाम क्या हो गया, इस डिफेक्ट का नाम हुआ, यहां देखिए ऑक्सीजन ज्यादा है मेटल कम है, मेटल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस डिफेक्ट का नाम हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ड्यू टू केटायन वैकेंसी, तो इस डिफेक्ट का नाम हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ड्यू टू केटायन वैकेंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी। तो ये केटायन वैकेंसी जनरेट क्यों हुई, ये जनरेट इसलिए हुई कि आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है, आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है, तो दो आयरन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लिए, देखिए प्लस थ्री में बदल गए, तो जो दो इलेक्ट्रॉन निकले वो इसने गेन कर लिए और ये मेटल बन के बाहर हो गया, ऐसी रिएक्शन हो गई, ये 2Fe प्लस 2, ठीक है, कन्वर्ट हो गए 2Fe प्लस 3 में, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, दो, और एक ये Fe अलग से लिख रहा हूं मैं, ये एक Fe प्लस 2 आयन ने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए दो, तो ये जीरो में कन्वर्ट हो गया, ये जीरो में, ये तो ये मेटल बन के बाहर आ गया, ये तो मेटल हो गया, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये मेटल होके बाहर आ गया और ये प्लस टू से प्लस थ्री में बदल गया, जब ये मेटल बन के बाहर आएगा, आयन से बन गया मेटल, ये आयन से बन गया मेटल, तो बाहर आ गया, तो ये वैकेंसी अभी यहां थोड़ी बैठेगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए वो आयन नहीं रहा, वो तो मेटल बन गया, मेटल बन के वो बाहर आ गया, तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ये कौन सी वैकेंसी हो गई, केटायन वैकेंसी किन में मिलता है, तो एग्जांपल डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में मिलता है, इसका एग्जांपल डी ब्लॉक कंपाउंड्स, डी ब्लॉक का कंपाउंड्स Fe हो गया, MnO हो गया,
NiO हो गया, ये डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ये मिलता है। और एग्जांपल आप जितने चाहे, सबसे बेस्ट एग्जांपल FeO, NiO, MnO, ठीक है, इनमें मिलता है। और कारण ये लिख दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब यहाँ पे आयरन ले लिया तो आयरन लिख दिया मैंने मेटल, और वो भी कौन सी, डी ब्लॉक की, क्योंकि उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी होती है। बताइए पूरी बात समझ आ गई? तो ये रीजन पूछा जाता है, ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, दो ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में बदल गया। यदि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता, यदि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता तो ये डिफेक्ट क्रिएट नहीं होता, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन इसलिए हो रहा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। इसकी जगह अगर MgO ले लेते, MgO तो ये डिफेक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैग्नीशियम ओनली प्लस टू शो करता है, वो वेरिएबल शो नहीं करता है। CaO ले लेते तो भी ये डिफेक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ZnO ले लो, ये ZnO तो ये डिफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ZN वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। फिर ZnO में कौन सा हुआ? अब भी आपने देखा इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन वाला डिफेक्ट, तो ये नहीं हुआ। तो जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ये डिफेक्ट शो करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पूरा तीनों डिफेक्ट के? कहां क्वेश्चन आता है ये, कहां क्वेश्चन आता है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, आप लिख लेना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन होने का रीजन भी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। यदि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता तो ये डिफेक्ट नहीं होता। तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, पर आती है। अगर नहीं मालूम है तो टफ लगेगा, मालूम है सिंपल आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, तो ये क्वेश्चन आया, जो मैंने टिक किए मेन मेन रीजन वाले वो सब आए, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इनके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अब अगला लिखिए, ये हो गया, तीन होते हैं नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीन, इसके बाद डोपिंग डिफेक्ट। अगला, डोपिंग डिफेक्ट, डोपिंग डिफेक्ट को सिंपली आप इंप्यूरिटी डिफेक्ट बोल सकते हो। इंप्यूरिटी डिफेक्ट, डोप करना, मिलाना, मिक्सिंग करना, मिक्स करना, मतलब क्या हो गया, इंप्यूरिटी।
किसी भी चीज में इम्प्योरिटी मिक्स करना है, ठीक है, इम्प्योरिटी हो जाएगी। अपने ब्लड में मलेरिया पैरासाइट को मिक्स कर दो, उसने मच्छर ने मलेरिया पैरासाइट मिक्स कर दिया, इम्प्योरिटी आ गई, मलेरिया हो गया, ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहला ये देखो, ये NaCl है, ठीक है, NaCl आपको बड़ा खुश दिख रहा है, देखो NaCl खुश है, मस्त है, प्योर है बिल्कुल, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा SrCl2 इसमें मिला दो, MgCl2 मिला दो, जो मिलाना हो आपको, SrCl2 इसको मैं कलर बदल देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, SrCl2, Cl का तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जरा सोचो कि ये Cl, इधर ध्यान देना, ये Cl यहां आए और ये Cl यहां आए, दो ये निकल जाए तो अंतर तो कुछ आया नहीं, Cl से तो अंतर आएगा नहीं कि आपका Cl बाहर हो जाए और इसका Cl अंदर हो जाए, तो Cl से अंतर आने वाला नहीं है। ये वाले Cl आया, एक Cl यहां आ गया और एक Cl आयन यहां आ गया, ये देखिए कौन से वाले, ये निकल गए और ये आ गए, तो तुम्हें क्या अंतर मिला, कुछ नहीं, बोले हम कैसे पहचाने कि ये आए और वो गए, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन इसमें अंतर आएगा, ये देखिए Na आयन निकलेंगे, ये Na आयन निकला, ये Na आयन, बोले दो Na आयन क्यों निकले, क्योंकि SR आयन पर +2 चार्ज है, तो दो Na आयन रिप्लेस्ड बाई 1 SR आयन, ये देखिए क्यों, दो Na आयन निकलेंगे तो ये आ गया SR आयन, क्योंकि SR आयन पर चार्ज है +2, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा, तो दो Na आयन हटेंगे, दो Na आयन का मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, दो Na आयन का मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, और एक SR आयन का मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज तो बराबर होना चाहिए ना, ये चार्ज बराबर हो गया +1 +1 +2, और ये तो एक सोडियम आयन, ये वैकेंसी खाली हो जाएगी, ये वैकेंसी खाली हो जाएगी, ये तो टू Na आयन्स रिप्लेस्ड बाई 1 SR आयन, रिप्लेस्ड बाई 1 SR आयन, ठीक है, ऐसे ही क्यों हुआ, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, अगर 4 ले लेते हो तो ये 2 होते, तो 2 Na आयन रिप्लेस बाई 1 SR आयन एंड 1 कैटायनिक वैकेंसी, प्रोड्यूस्ड एक कैटायनिक वैकेंसी, ये जो कैटायनिक वैकेंसी दिख रही है, ये कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये Cl आयन है, ये Na आयन निकल गया, ये Cl आयन, ये Na आयन, ये Na आयन और ये Cl आयन, ये देखिए ये डिफेक्ट क्रिएट हो गया, तो SrCl2 क्या हो गया, मलेरिया पैरासाइट जैसे ही गया अंदर, ब्लड तोड़ना उसने शुरू कर दिया, ठीक है, हमारे अंदर डिफेक्ट आ गया, तो ये जैसे ही SrCl2 गया तो SR आयन के कारण डिफेक्ट क्रिएट हुआ,
क्योंकि एसआर आयन पर चार्ज है प्लस टू और सोडियम आयन पर है प्लस वन, तो प्लस टू चार्ज मेंटेन करने के लिए, दोनों का चार्ज मेंटेन करने के लिए टू एन ए आयन रिप्लेस्ड बाई वन एसआर आयन। अब एसआर आयन कुर्सी तो एक पर ही बैठेगा, एक एटम चार्ज कितना ही लेके बैठे, हम दो बैग लेके बैठे तो भी एक ही कुर्सी होती है, कुर्सी तो एक ही होती है। आप एरोप्लेन की टिकट ले रहे, बैग आपके पास दो टंगे लेकिन कुर्सी तो आपकी एक है, समझ गए? तो बैग तो दो है, प्लस टू चार्ज है, लेकिन कुर्सी तो एक ही है ना उसकी बैठे के, बैठने के लिए, पर ये खाली हो जाएगी चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब बताओ कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डोपिंग डिफेक्ट है ये, नॉन स्टोकियोमेट्रिक नहीं, डोपिंग लिखा मैंने, देखिए डोपिंग डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, समझ आ गया, समझ आ गया आपको? एक ये है मेन बात, ये तो टू एन ए आयन रिप्लेस्ड बाई वन एस आर आयन, वन केटायनिक वैकेंसी इज प्रोड्यूस्ड, ये मेन बात है। आप ऐसा लिख सकते हो, डोपिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl क्रिस्टल, ये डिफेक्ट का नाम हो गया, डोपिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl क्रिस्टल, डोपिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl2 क्रिस्टल, इन दिस प्रोसेस टू एन ए आयन रिप्लेस बाई वन एस आर आयन एंड वन केटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस, ये मेन बात हो गई और डिफेक्ट क्रिएट हो गया। अब बताइए ये डिफेक्ट का नेचर किस टाइप का है, किसी को आप अपनी कुर्सी से उठा के भगा दो या वो खुद उठ के चला जाए, तो पहला डिफेक्ट आपने साठ की देखा था, साठ की में क्या हो रहा था, एन ए आयन सी एल आयन अपनी कुर्सियों से उठ उठ के जा रहे थे, तो यहां भी तो एन ए आयन निकल गए, ये सी एल आयन निकल गए, ये सी एल आयन की जगह ये आ गए, एन ए आयन की जगह ये आ गए, तो ये शॉटकी डिफेक्ट है, नेचर इस डिफेक्ट का शॉटकी टाइप का है। तो क्वेश्चन आया है आपको, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस डिफेक्ट, तो आंसर शॉटकी डिफेक्ट टाइप का नेचर हुआ इसका, समझ आ गया? एक केटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हुई। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एक मोल ले लेता, मैं ध्यान से सुनिएगा, अब यदि मैं इसका एक मोल ले लेता तो ये एक एटम है, एक मोल नहीं है, अगर मैं इसको एक मोल मान लूं, एक मोल, तो ये दो मोल हो जाएंगे और दो मोल से ये एक मोल केटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक मोल केटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं 0.1 मोल ले लेता, अगर मैं ये 0.1 मोल ले लेता तो ये 0.1 मोल केटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाती। बात समझ आ गई आपको? यही काम की बात है, इसको अच्छे से समझ लेना। यदि मैं एक मोल SrCl2 लेता हूं तो एक मोल वैकेंसी क्रिएट होती है, अगर मैं 10 मोल ले लूं तो 10 मोल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन आया है, ये नीट में क्वेश्चन आया है जो मैं लिख रहा हूं, 10^2, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी में दो है, 10^-3, 10^-4, एक सॉल्व कर लोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, 10^-3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 डोप्ड इन NaCl क्रिस्टल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, यही लिख देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी पर मोल, ये आपको ये क्रिएट करना है। तो दिमाग लगाया, तो पहली स्टेप ये है, आंसर लिख रहा हूं, आंसर की पहली स्टेप,
क्या दो मोल सोडियम आयन रिप्लेस होते हैं एक मोल SrCl2 से, तो एक मोल वैकेंसी क्रिएट होती है। समझ गए आपको ये पहला ये कंसेप्ट है। दूसरी बात ये लिख रहा हूं कि आपको मोल परसेंट दिया हुआ है, मोल परसेंट कितना है 10^-3, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल परसेंट, मोल परसेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100 होता है। मोल मोल परसेंट किसी भी चीज का परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू 100, तो मोल फ्रैक्शन आ गया ये मोल परसेंट बाई 100। मोल परसेंट कितना है 10^-3/100, तो ये आ गया 10^-5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल में कितने मोल SrCl2 के, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये मोल परसेंट आप SrCl2 का है ना, ये मोल फ्रैक्शन आप SrCl2 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन SrCl2 का ही आ गया आउट ऑफ 1 10^-5 मोल आप Sr, समझ गए SrCl2 ये है। ये देखिए ये एक SrCl2 है, तो एक मोल SrCl2 से दो मोल Cl आयन और एक मोल Sr आयन मिले, समझ आ गया, एक मोल SrCl2 से एक मोल Sr आयन, तो 10^-5 से 10^-5 मोल Sr आयन, तो ये आपका आ गया मोल परसेंट, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब 10^-5 मोल आउट ऑफ टोटल मोल, ठीक है, और टोटल मोल 1 है तो पर मोल, ठीक है, आपका 10^-5 मोल हो गए किसके SR के, SrCl2 का एक मोल बराबर से एक मोल SR आयन, तो 10^-5 इक्वल टू 10^-5 SR आयन, ये आ गए। और दो मोल रिप्लेस होते हैं तो एक SR आयन द्वारा तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है, तो यहाँ पे इसलिए नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी फिर से टू मोल, वन मोल से रिप्लेस होते हैं वन केटायनिक, तो 10^-10, ये 10^-5 है, तो ये 10^-5 इंटू 2, तो 2 × 10^-5 से रिप्लेस होंगे 10^-5 से, ये तो एक से एक, तो 10^-5 से 10^-5 मोल केटायनिक वैकेंसी ये क्रिएट हो जाएगी, एक एक 10^-5 समझ आ गया आपको। फिर से एक बार, एक मोल SR आयन अगर मैं Na आयन में मिलाता हूं तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है, तो 10^-5 मोल SR आयन मिलाता हूं तो 10^-5 मोल वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे, मोल में आया है, लेकिन आपको क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैकेंसी, तो बताइए मोल को नंबर में बदलना हो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसलिए नंबर आप ये मोल में लिखा है मैंने ना, इसलिए नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी इक्वल टू 10^-5 इंटू 6.023 इंटू 10^23 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10^-18 वैकेंसी पर मोल आ जाएंगी, ये आपको नीट में पूछा गया है, तो ये इससे सॉल्व होगा, वन मोल वैकेंसी, 10^-5 मोल, 10^-5 मोल वैकेंसी, ये समझ आ गया। अगर आपको एनसीईआरटी में ये -4 दिया है तो यहाँ पे -4 करके निकाल लीजिए पूरा।
विद्या यही है, ये बस मेन बात। एक मोल एसआरआईएन से एक मोल वैकेंसी, तो 10^-5 मोल एसआरआईएन से 10^-5 मोल वैकेंसी एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और तरीका आपको मैंने पूरा समझा दिया, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, दो बार पूछा गया है, एक और जगह भी आया, एम्स में भी आया है, और दोनों आए, 10^-3 भी आया, 10^-4 के भी आया है, तो एक ही बात है, कर लीजिए। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम्पलर, जिसने एग्जाम्पलर कर लिए, केवल एग्जाम्पलर, बहुत काम बन गया। इन टेक्स्ट कर लिए तो आपका तो मजा आ गया, और जिसने एक्सरसाइज में निपटा दी, मतलब उसे भगवान भी नहीं रोक सकता अगर आपने ईमानदारी से कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन है, और नीट में दो बार पूछा गया, एम्स में भी आया है, देखिएगा अगर आपके पास एम्स के पेपर हो तो आपको मिल जाएगा। आ गया समझ में सब लोग को? तो ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का, डोपिंग डिफेक्ट का हुआ। अब डोपिंग आपको, ये आयनिक क्रिस्टल में आपने डोपिंग की, अब डोपिंग इन कोवेलेंट क्रिस्टल, इंप्यूरिटी डिफेक्ट या डोपिंग इन कोवेलेंट क्रिस्टल, तो कोवेलेंट क्रिस्टल आपने ले लिया, सपोज कार्बन का क्रिस्टल ले लीजिए, सिलिकन का क्रिस्टल ले लीजिए, सिलिकन सिलिकन का, जरा मैं एक बार आपको बैलेंस ही समझा दूं, ठीक है। तो आपका पीरियोडिक टेबल का ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, और ये थर्ड ग्रुप। आजकल थर्ड ग्रुप को 13 बोलते हैं, फोर्थ ग्रुप को 14 बोलते हैं, और फिफ्थ ग्रुप को 15 बोलते हैं। न्यू पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में आता है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिफ्थ ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और थर्ड ग्रुप में आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। सबसे बड़ी बात, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 थर्ड ग्रुप, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 कार्बन में, सिलिकन में 4, ये ऐसे ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, इसमें 3 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये 3 किसी में भी, सबका एक जैसा स्ट्रक्चर है। और फास्फोरस वगैरह में ये 5 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वगैरह में इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 5। तो ये आपको वैसे मैं समझा चुका हूं, लेकिन ये फिर भी समझा दिया मैंने आपको, तो आप ऐसा बना लो। हमें इसमें ये है हमारा मेन मुद्दा, ये है हमारा क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, ये इसके ये क्रिस्टल है। आप इसमें आपको डोपिंग करना है, इस ग्रुप की डोपिंग करना है, ये मिक्स करना है, इसको मिक्स करना है ये, और इस ग्रुप की डोपिंग करना है। तो दो प्रकार की डोपिंग करना है आपको, थर्ड ग्रुप की डोपिंग, फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग, 5 इलेक्ट्रॉन वालों की डोपिंग इसमें करना, 3 इलेक्ट्रॉन वालों की डोपिंग इसमें करना। बस ये डोपिंग करना माने मिक्स करना, उसको इम्प्यूरिटी बोलेंगे। भाई सिलिकन के क्रिस्टल के लिए तो एल्यूमिनियम इम्प्यूरिटी है, सिलिकन के क्रिस्टल के लिए आर्सेनिक इम्प्यूरिटी है,
ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोल सकते हो, डोपिंग डिफेक्ट भी बोल सकते हो। तो लिखना है आप जल्दी से। तो पहला मेरा है कंसर्न डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी इन सिलिकन क्रिस्टल। आपको सिलिकन लेना हो सिलिकन ले लें, जर्मेनियम लेना हो जर्मेनियम ले लें, जो आपको लेना हो आप जर्मेनियम लिख दीजिए, सिलिकन हटा दीजिए जर्मेनियम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जर्मेनियम लिख दिया जर्मेनियम क्रिस्टल, ये जर्मेनियम ले लिया मैंने। तो जर्मेनियम का क्रिस्टल मैं आपको बना रहा हूं, तो जर्मेनियम का क्रिस्टल, ये जर्मेनियम सब जगह जर्मेनियम है, ये सब जगह जर्मेनियम है भाई। जर्मेनियम का क्रिस्टल बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, एक मिनट में समझ में आ जाएगा, इसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये देखिए ये वाला जर्मेनियम ले ले रहा हूं मैं, ये वाला, ये इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको कंसर्न मान रहा हूं। ये देखिए ये एक बॉन्ड बन गया इससे, ये देखिए एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड बन गया, इस तरह से ये आगे भी बनाएगा, ये वाला इससे बना लेगा, ये ऐसे ये बनते चले जाएंगे। अब मैं सारे तो बनाऊंगा नहीं, बस इतने मैंने बना दिया, आप समझ आ गया होगा। तो ये जर्मेनियम का क्रिस्टल हुआ, इस जर्मेनियम के क्रिस्टल में आपने थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी डोप कर दी। थर्ड ग्रुप में क्या है देखो, आप कोई सा भी ले लो, आपको एल्यूमिनियम लेना हो एल्यूमिनियम ले लो, बोरान ले लो, गैलियम ले लो, इंडियम ले लो, कोई सा जो आपको लेना हो। मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, यहां देखिए जर्मेनियम हटाया मैंने, ये जर्मेनियम हटाया और इसकी जगह मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, आप बात समझ गए होंगे। और एल्यूमिनियम में है तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन, तो यहां वाले के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, ये देखिए ये बना लिया, यहां वाले के साथ ये बन गया बॉन्ड, यहां वाले के साथ ये बन गया, एल्यूमिनियम ने तीन बॉन्ड बना लिए। अब एल्यूमिनियम कह रहा तेरे साथ कैसे बॉन्ड बनाऊं, ये इसके साथ कैसे बनाऊं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन यहां देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां ये खाली ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल खाली है, इसको आप बोलने लगे होल, इसी को आप क्या बोलने लगे, ऑर्बिटल खाली है, ऑर्बिटल का खाली होना, कमरा खाली है, रूम खाली है, तो ये हो गया केटायनिक वैकेंसी। क्या हो गई, केटायनिक वैकेंसी, मतलब रूम खाली है, तो अब इसे हम एक्चुअली होल बोलेंगे, केटायनिक वैकेंसी बोलेंगे तो बात गलत हो जाएगी थोड़ी, होल बोल देंगे बस हम, वैकेंसी बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बन गई होल या वैकेंसी, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कम है। अब इस होल के चलने के कारण ये होल माइग्रेट कर सकता है, ऐसे ये होल का माइग्रेशन हो सकता है, और होल के माइग्रेशन के कारण, ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, समझ आ गया आपको। तो आप पहले बना लो, अब बताओ क्या नाम हुआ इसका, डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी इन द जर्मेनियम क्रिस्टल। यहां देखिए ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन का कम होना माने पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज का कम होना, निगेटिव चार्ज का कम होना माने पॉजिटिव चार्ज, तो आप इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहने लगेंगे। इन जर्मेनियम क्रिस्टल फॉर्म्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। पी का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की कमी माने पॉजिटिव चार्ज होना, दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं है, वो होल है ये, तो ये
टाइप सेमीकंडक्टर कहलाया। आ गया समझ में? आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? जर्मेनियम में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम किसी की भी डोपिंग कर दो तो ये पी टाइप बनाएंगे, कोई भी, ये सब किसी में भी, सिलिकन में, जर्मेनियम में, टिन में, लेड में, किसी में भी। आप यहाँ पे जर्मेनियम की जगह सिलिकन ले सकते हो तो भी वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। आप यहाँ एल्यूमिनियम की जगह बोरान ले सकते हो तो भी वो, तो मैंने जनरल लिख दिया, डोपिंग ऑफ थायरॉइड ग्रोथ इंप्यूरिटी इन द जर्मेनियम सिलिकन, जिसमें भी लेना है आप। आगे समझ, दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? पी टाइप सेमीकंडक्शन, ये कहलाएगी पी टाइप सेमीकंडक्शन, ये सेमीकंडक्टर हो गया। आ गया समझ में? हटा दें अब इसको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं होल या वैकेंसी। कंडक्टिविटी का नाम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्शन। आप यदि मैं ये डोपिंग कर दूं फिफ्थ ग्रुप की, यहां पे मैं फिफ्थ कर रहा हूं, ये देखिए फिफ्थ ग्रुप, ये आपका फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग कर रहा हूं इसमें, और यहां पर एल्यूमिनियम की जगह मैं ले ले रहा हूं क्या आर्सेनिक, ये आर्सेनिक ले ले रहा हूं, आर्सेनिक ले लिया मैंने, ये कि आर्सेनिक। अब आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा देख लो, आर्सेनिक में ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और हैं तो पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच, पांच इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये क्या करे, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए डोपिंग आप फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप का कोई भी ले लो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन मत लेना, थोड़ा गैस है, ठीक है, उड़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, चार है ना इसमें, तो चार इसके चार के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये एक फालतू बचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन फालतू हो या नहीं हो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव ही होगा, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ये बन गया एन टाइप, ये बन जाएगा एन टाइप, इससे बनेगा एन टाइप, इससे बनेगा पी टाइप, ये एन टाइप सेमीकंडक्शन। तो इसकी कंडक्टिविटी का नाम हो गया एन टाइप सेमीकंडक्शन। आ गया समझ में आपको पूरा? बोलो क्लियर हो गई आपको? अच्छे से बात क्लियर हो गई आपको? तो इस तरह हम ये डोपिंग डिफेक्ट को समझ सकते हैं। अब डोपिंग इन मेटल या मेटालिक क्रिस्टल, डोपिंग इन मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल में यदि आप डोपिंग करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल अपन ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल, दो एलाय क्या है, एलाय जो है जैसे कॉपर में आपने जिंक की डोपिंग कर दी, तो कॉपर तो अपने आप में खुश था, उसमें वो प्योर था, प्योर होना माने खुश रहना, आप उसमें जिंक मिला दिया तो वो बन गया एलाय, कॉपर प्लस जिंक का एलाय आप जानते हो ना, ब्रॉस कहलाता, ब्रॉस,
ठीक है, ब्रॉस तो कॉपर प्लस जिंक का अलॉय है, और कॉपर में जिंक की हो गई डोपिंग, अलॉय बन गया। तो लिखिए सबसे पहला सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, अलॉय का मतलब किसी मेटल में किसी दूसरे मेटल की डोपिंग कर देना, डोपिंग ही हो रही है, और एक अलॉय एक मेटल में दूसरी मेटल आप मिलाओगे तो इंप्यूरिटी आ गई। तो जैसे आपने ये कॉपर है, ये देखिए सब कॉपर की दुनिया है यहाँ पर, ये सब कॉपर बैठे हुए हैं आराम से, ये सब कॉपर बैठे हैं, कॉपर का क्रिस्टल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, उसमें जिंक मिला दिया, ये जिंक आ गया। तो जिंक, ये देखिए ये कॉपर के एटम को, कॉपर के एटम को किसने रिप्लेस कर दिया, कॉपर के एटम को रिप्लेस करने वाले हो गए जिंक। रिप्लेस माने सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का एक ही नाम मतलब है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन बोलो चाहे आप रिप्लेसमेंट बोलो। भैया कॉपर बैठा था उसको हटा के जिंक बैठ गया, ठीक है, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। इसमें लैटिस पॉइंट पर कॉपर को रिप्लेस करके जिंक आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय कहलाता है। लिख लिया आपने, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल अलॉय और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल अलॉय। इंटरस्टिशियल अलॉय इसमें क्या होता है, जैसे ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, आयरन का क्रिस्टल है ये, ये लोहा है, ये लोहे का क्रिस्टल है, ये किसका गिलास है, बोले स्टील का गिलास है, किसका गिलास है, स्टील का। अरे भाई तो स्टील में मेन क्या है, लोहा आयरन है, ये आयरन में, ये आयरन का क्रिस्टल है, इसमें कार्बन की डोपिंग कर दी है, कार्बन यहाँ आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, ये कार्बन यहाँ है इंटरस्टिशियल साइट में, ये कार्बन, ये बन गया स्टील, ये हो गया इंटरस्टिशियल अलॉय। तो इंटरस्टिशियल अलॉय कैसे बनते हैं, इंटरस्टिशियल अलॉय बनते हैं जब मेटल के इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन कोई बोरान सल्फर कुछ भी एटम, फॉरेन एटम, फॉरेन एटम है ये, आयरन के लिए तो फॉरेन है, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल अलॉय। और उसी के कुर्सी पे बैठ जाए, कॉपर की कुर्सी पर जिंक आके बैठ गए तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। तो वेन फॉरेन एटम्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोरॉन सिलिकॉन इटीसी ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल अलॉय, और ऑक्यूपाई लैटिस साइट यहां पर इंटरस्टिशियल साइट की जगह क्या कर देना, ये लैटिस साइट है, लैटिस साइट। फॉरेन एटम ऑक्यूपाई लैटिस साइट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। आ गया समझ में, तो ये दोनों में डिफरेंस है।
अब देखो इसमें जैसे ही ये आया वैसे ही एक चीज में चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब ये नहीं था तो आयरन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वही थी जो इसके आने के बाद है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये लिख लेना, इसका फीचर पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट, डिफेक्ट आने के बाद भी, डिफेक्ट आ गया, ये डिफेक्ट आ गया, इस डिफेक्ट आने के बाद भी आयरन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी। दूसरा हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, समझ आ गया, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इसके कारण, कार्बन के कारण हार्डनेस बढ़ जाएगी, ब्रिटिलिटी चेंज हो जाएगी, ब्रिटिल हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रिटिलनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, ठीक। और अब इसमें तो ये अब एलॉय है, एलॉय के तो अपने अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, सीयू जेड एन की प्रॉपर्टी अलग होगी, सीयू जेड एन एन आई, अगर आपने कॉपर में जेड एन और एन आई भी मिला दिया तो इसे जर्मन सिल्वर बोलने लगते हैं, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ये 2:1:1 में, 2:1:1, 50% ये, 25% ये, 25% ये, तो इसको हम बोलने लगते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की तुमने देखी होंगी घर में मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां, जो आजकल बहुत सारी जगह जर्मन सिल्वर, यहां दिख नहीं रही मुझे, मेरे उस घर में बता देता मैं आपको, जर्मन सिल्वर की मूर्तियां, तो जर्मन सिल्वर हो गया। अब वो तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी, इसमें अपने को नहीं फंसना, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें ये चेंज आ जाता है, बस हल्का फुल्का, इसको ध्यान रखिए। तो ये इंटरस्टिशियल साइट है, और इसमें इंटरस्टिशियल साइट का साइज और ये जो एंट्रैप्ड एटम है, जो ट्रेप हो गया ये एटम, उसका साइज ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन लिख लेना, द साइज ऑफ इंटरस्टिशियल साइट, द साइज ऑफ इंटरस्टिशियल साइट एंड द साइज ऑफ एंट्रैप्ड एलिमेंट मस्ट बी सेम या शुड बी सेम, शुड बी सेम, बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइज छोटा बड़ा होगा तो फिटिंग नहीं होगी उसमें फिर वो, तो स्टील कैसा एलॉय है, ये क्वेश्चन आया है नीट में, आपको मिलेगा, स्टील कैसा एलॉय है, इंटरस्टिशियल एलॉय है, स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विच प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, नॉट एट लैटिस साइट, यहां नहीं, और ये सब्स्टिट्यूशनल एलॉय, तो ये बात समझ आ गई आप लोग को, एलॉय की ये सब बातें समझ आ गई आप लोग को, चलिए आज के लिए इतना काफी है, आज की कोई बात में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर, नो सर, पूरा अच्छे से आ गया तब, नो सर, अभी एक आज मैं खत्म करने की सोच रहा था लेकिन आज आपका वो खत्म नहीं हो पाया, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक।
ठीक है, आप सॉलिड स्टेट की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट का टेस्ट रहेगा। ऑलमोस्ट तो खत्म हो गया, डिफेक्ट खत्म हो गए, सिर्फ प्रॉपर्टी बची है, बस वो पढ़ाना है मुझे, छोटी सी प्रॉपर्टी, मेटेलिक ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड शायद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बस दो प्रॉपर्टी बची है और बैंड थ्योरी बची है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा टोटल। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।